इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हरदोई शहर के बेसिक प्राथमिक हिंदी पाठशाला की हैं, जहां स्थानीय नगर पालिका ने इसे कूड़ा घर में तब्दील कर दिया। स्कूल के अंदर से निकले गंदे नाले से निकली सिल्ट पूरे स्कूल में फैली पड़ी है। यही नहीं, नाले के ऊपर रखे सीमेंट के ढक्कन भी खोलकर अलग हटा देने से छोटे छोटे बच्चों के लिए जान का खतरा पैदा हो गया है। सिल्ट और नाले की असहनीय दुर्गंध से परेशान होकर स्कूल के टीचर नगर पालिका से लेकर अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करा चुके हैं, लेकिन स्कूल चलो जैसे बड़े बड़े आयोजनों में भाग लेने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। दिक्कत यह है कि नाले की सिल्ट निकाली गई है और बच्चों के नाले के पत्थर हटा के और सिल्ट निकाली गई है, उसमें बच्चों के गिरने का भी डर है और अभी तक उठाया नहीं गया है और इतनी बदबू होती है कि हम लोग बैठना यहाँ पर परेशानी होती है और बच्चों के भी गिरने का डर है। उसकी जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक की होती है, समस्त स्टाफ की भी होती है। तो अब हम ये लोग स्कूल देख रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, कैसे संभाले हम ही लोग जान रहे हैं। हालांकि जब इस बारे में SDM से बात की गई तो उन्होंने मामले में तुरंत सिल्ट हटवाने के निर्देश दिए कि अगर सिल्ट वहाँ पर है और बच्चों को निकलना भारी पड़ रहा है, और सही बात भी है कि बच्चे क्यों ऐसी बदबूदार जगह पर पढ़ेंगे और उनका स्वास्थ्य खराब होगा, उसको हटवाने की व्यवस्था मैं आज ही करा देता हूँ। सिल्ट जो है वहाँ से हटाकर किसी अन्यत्र स्थान पर जहाँ जंगल दूध राज डलवा दी जाएगी, जिससे अन्य लोगों को भी कोई इसका नुकसान ना हो। स्कूल में पड़े सिल्ट के कारण बच्चों की संख्या में भी कमी हो गई है। स्कूल में जाने से बच्चे कतराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के इस स्कूल में बच्चों की समस्या की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट।